Hello students, in this video I will tell you about the properties of definite integral. Properties of definite integral, by I am taking your understanding ISC mathematics for class 12 ML Agrawal. Before that, properties of definite integral, I want to tell you what is the definite integration. डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग सेम एज द इनडेफिनिट जैसे करते हैं ओनली द चेंज जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 2 to 5 एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स देन दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट बट नो यूज ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट बिफोर द इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने से पहले इसका यूज ना करें पहले इंटीग्रेट करें So this will after integration what you will get x cube by 3 and then use big bracket here and write the lower limit here and write the upper limit here in the upside. There is no plus c. Why? Because it is range. 2 se leke 5 tak matlab jo ye range di gayi hai, you will get the answer accordingly. Yani this is called, that is why it is called the definite integral, not the indefinite integral. अब हाउ टू पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट सबसे पहले इन प्लेस ऑफ एक्स लिमिट को सिर्फ एक्स की प्लेस पे ही रखना है जो एक्स हो गया कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं तो इसमें हम अपर लिमिट का जो 5 है यहां पे लिख दें एक्स की जगह कॉन्स्टेंट टर्म यू कैन टेक आउटसाइड आल्सो कॉमन भी ले सकते हैं तो एक्स की जगह 5 रखेंगे तो क्यूब लगा है देन माइनस साइन इन प्लेस ऑफ एक्स टू पुट द 2 अभी माइनस साइन लगाने के बाद 2 और ये क्यूब रहेगा तो ये जब सॉल्व होगा 1/3 125 - 8 एंड देन 117/3 इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन तो ये जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन के लिए डेफिनेट इंटीग्रल का पहले लिमिट लगाए जरूरी नहीं यू फर्स्ट यू इंटीग्रेट जो भी और जो 8.16 8.17 एक्सरसाइजेस हैं That is basically based on the integration which you have done previously. जो भी सब पहले कर चुके हैं उनका इंटीग्रेशन करें और बस जो लिमिट दी गई है उसे पुट कर दें जैसे अगर हम एक क्वेश्चन को और भी यहां पर बताए कि कई कभी कभी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है और उस केस में भी लिमिट लगानी पड़ती है जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन करने जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 to 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 होल क्यूब डीएक्स इन दैट केस फर्स्ट यू विल लेट दिस इज इक्वल टू टी एंड देन दिस विल बी कैंसिल्ड तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जो पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज 4-5 में कर चुके हैं तो लेट किया हमने एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू टी डिफरेंशिएट किया तो यू विल गेट डी टी बाई डी एक्स एंड देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3x स्क्वायर यू पुट हियर तो ये कितना आएगा -1 से 1 एंड देन बट दिस लिमिट इज द लिमिट फॉर x नॉट फॉर द लिमिट ऑफ t जो अभी t में चेंज होने वाला है एक्स स्क्वायर इंटू टी क्यू डी टी बाई 3x स्क्वायर दिस एक्स स्क्वायर इसका कैंसिल अब ये जो 1/3 बाहर हम निकाल सकते हैं तो यू विल गेट 1/3 टी क्यूब डी टी ओके क्लियर -1 to 1 बट दिस -1 to 1 आर द लिमिट्स ऑफ एक्स ना कि टी तो कभी कभी ये होता है कि लिमिट्स को अगर हम मान लो कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन टी क्यूब पावर 4 अब इसको दो पार्ट में बताते हैं एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज द इफेक्ट जैसे अभी क्या है कि हमने इंटीग्रेशन टी क्यूब का किया तो कितना आया टी टू दी पावर 4 एंड देन अप्लाई द -1 to 1 बट डोंट अप्लाई नाउ अभी इसको रखेंगे नहीं क्योंकि ये एक्स की लिमिट्स है पहले टी को इन टर्म्स ऑफ एक्स चेंज करें तो यू विल गेट अच्छा ये 1/3 भी है साथ में टी टू दी पावर 4 को क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 4 ओके टी की जगह by 4 तो by 4 को हम इधर ये ऐसे किया अब ये लिमिट अब रखेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स
की जगह पे वन और इन प्लेस ऑफ एक्स की जगह पे माइनस वन. तो जब रखेंगे तो क्या आएगा, वन बाई ट्वेल्व. पहले तो ये वन रखा तो वन क्यूब वन प्लस वन दैट इज टू टू द पावर फोर मीन सिक्सटीन, ये फोर बाहर आ गया. माइनस अब माइनस वन रखेंगे ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो माइनस एक्स की पावर माइनस वन टू द पावर माइनस वन प्लस वन दैट इज जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा. तो इट मीन्स 16 बाई 12 आर 4 बाई 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट आफ्टर पुटिंग द टी इन टर्म्स ऑफ एक्स. लेकिन जरूरी नहीं, हम इसको यहां से चेंज भी कर सकते हैं, इस लिमिट को यहां से. जैसे ये माइनस वन है, अब यहीं पे हमने लिख दिया एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा. एट एक्स इज इक्वल टू वन तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा. तो ये अब टी की वैल्यू जीरो हो गई लोअर लिमिट और टी की वैल्यू टू. तो जो यहां पे हमने लगाया है इसको हम चेंज किए दे रहे हैं, ये आफ्टर चेंजिंग द लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ टी, मतलब टी के टर्म में जब आ गई तो उसमें लिमिट को चेंज करना. तो दैट इज जीरो लोअर लिमिट एंड दैट इज टू. अब यहां पे भी इसको हम चेंज कर रहे हैं, ये चीज हो गई जीरो एंड टू, देन जीरो एंड टू. ओके जीरो एंड अब ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक्स, डायरेक्टली यू कैन पुट द लिमिट हियर. तो वन बाई ट्वेल्व तो है टू द पावर फोर दैट इज सिक्सटीन और माइनस जीरो. तो देखिए जो चीज पहले आई थी वही चीज अब भी आ गई, यानी फोर बाई थ्री. तो देर इज नो चेंज इन द आंसर whether you are putting the limit after changing the t in terms of x or limit you are changing already in the first when you let, उसी समय हम लिमिट को चेंज कर दें t के उसमें लिमिट को चेंज कर दें तो भी आंसर सेम है. तो जो इजी लगे उसमें करना है आपको. तो 8.16 8.17 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कुछ मतलब बताया जाए कि उसमें चूंकि सिर्फ इंटीग्रेशन है जो कि पहले किए जा चुके हैं एंड ओनली यू हैव टू पुट द लिमिट्स. नाउ हम कम हियर दैट इज फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल. मेन एक्सरसाइज है 8.18 एंड बिफोर दैट देयर इज द प्रॉपर्टीज. तो देयर आर द प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको वन बाय वन हम बता रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. द फर्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी जिसको p जीरो कह रहे हैं, अगर a टू b एफ एक्स dx है तो यही होगा a टू b एफ टी डी टी. मीन्स इफ यू आर टेकिंग x इज इक्वल टू t, अगर x को t कर रहे हैं तो देर इज नो चेंज इन द लिमिट. भाई सीधी सी बात, जो x की वैल्यू होगी वही t की वैल्यू, तो देर इज नो प्रॉब्लम. Means you can write, you can change the variable like this if x is equal to t. But this is on requirement. Second property is if a to b fx dx, then in some cases, कुछ cases में जो limits होती है, actual में generally क्या होना चाहिए कि lower limit छोटी होनी चाहिए बड़ी और upper limit बड़ी होनी चाहिए, bigger than the lower limit. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये बड़ी होती है ये छोटी होती है, तो वी हैव टू इंटरचेंज इस लिमिट को, इसको यहां लिखना इसको यहां लिखना. तो इन दैट केस वन माइनस साइन विल कम एंड बी टू ए, बी नीचे चले जाएगा ए ऊपर एक माइनस साइन एंड इन द फंक्शन देयर इज नो चेंज. ये ऐसे है ओनली वन माइनस साइन और लिमिट बस केवल ऊपर नीचे हो जाए. तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द properties of the definite integration. Then third one, third property, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि especially modulus function में, modulus function, trigonometrical function जिसमें हमें break करना होता है कि नहीं integration को, I'll tell you with example, p 2 है इसमें, a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx. इसका मतलब ये हुआ कि in this case where c lies between, where c
lies between A and B, मतलब A और B के बीच में C lie कर रहा है, तो कभी कभी तोड़ना पड़ता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन होगा तो उसे तोड़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास माइनस वन टू वन है एंड हियर द एक्स एक्स एंड मॉडुलस ऑफ एक्स dx, अब इसके इंटीग्रेशन ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये मॉडुलस साइन हटना चाहिए एंड यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस साइन कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन मतलब लेस देन जीरो होगा तो मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होगा? माइनस एक्स होगा। तो इन दैट केस लेस देन जीरो यानी और कहां तक जाएंगे? जहां तक ये लोअर लिमिट है। तो इट मींस द फर्स्ट वन माइनस वन से लेके जीरो तक क्या होगा? माइनस एक्स होगा बिकॉज मॉडुलस एक्स विल चेंज टू माइनस एक्स डी एक्स देन प्लस साइन एंड सेकेंड पार्ट इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो जीरो से लेके कहां तक? अपर लिमिट तक। तो जीरो से अपर लिमिट तक क्या हो जाएगा? एक्स डी एक्स एंड देन यू विल इंटीग्रेट। अब इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज लिमिट्स आर चेंज्ड। तो ये यूज होता है मॉडुलस फंक्शन में स्पेशली। तो आपको ये ध्यान देना है कि कहां पे इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी यूज होता है। Then fourth property is the if a to b fx dx is equal, you can write here a to b the same thing but a plus b minus x, मतलब जहां पे x है वहां पे तुमको क्या लिखना है? a plus b the sum of the limits minus x dx। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल जहां कहीं आप लिमिट का सम क्वेश्चन में देखिए, जैसे मान लीजिए 1, 2, 4 है और यहां पे दिख रहा है 5 माइनस एक्स, इन दोनों का सम 5 है यहां पे और आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि x की जगह पे क्या लिखेंगे हम यहां पे? x की जगह 1, 2, 4 इन प्लेस ऑफ x ऐसे लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, जहां जहां x होगा वहां पे a प्लस बी माइनस, तो a प्लस बी यानी 5 माइनस एक्स ये ऐसे d एंड देन माइनस साइन विल कम इनसाइड, तो ये तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट x 1, 2, 4। तो मतलब इजी हो जाता है। इन दैट केस दैट यू विल गेट द इजी वन आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज का यूज क्यों किया जाता है? ओनली फॉर रिड्यूसिंग द सोल्यूशन, थोड़ा सोल्यूशन को छोटा करने के लिए और इजी बनाने के लिए प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। देन अदर प्रॉपर्टी द नेक्स्ट वन द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सेम एज दिस वन। अगर हम ए को जीरो कर दें और बी को ए कर दें जो अभी इसके पहले वाली प्रॉपर्टी थी एंड एफ एक्स डी एक्स, तो व्हाट इट विल बी? जीरो टू ए, ए प्लस बी, ए जीरो हो गया बी ए हो गया, यानी एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रॉपर्टी ज्यादातर लग रही है मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी लगेंगे। देन द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ दिस, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें मतलब निकालना होता है जीरो टू, जैसे मान लीजिए कोई एक जीरो टू टू ए है, जरूरी नहीं है टू ए दिखाई भी नहीं पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देर आर द टू कंडीशंस, द वन इज टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स एंड जीरो, ये किस केस में होगा? इफ मतलब इस केस के लिए है if f of 2a minus x is equal to fx। अगर ऐसा होता है जैसे इसके पहले वाली प्रॉपर्टी if a minus x, इसमें आपको कहीं भी this is not equal to fx नहीं आएगा। अगर इसमें is equal to fx आ जाता है तो we will use this property, मतलब वो इस property में आ गया, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये 2 आपको दिखे क्वेश्चन में, जरूरी नहीं, जैसे ऐसे नहीं, जीरो से
पाई, अब क्यू तो दिख नहीं था। तो जब हम ये प्रॉपर्टी और ये हमारा है साइन एक्स फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम साइन एक्स लेते हैं तो अगर ये प्रॉपर्टी या ये लगाते हैं या ये लगाते हैं तो क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स, एंड साइन पाई माइनस एक्स एज यू नो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब यही चीज आ गई। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और फिर ये चेंज होके क्या आ जाएगा टू बाहर निकलेगा, जीरो क्या निकला है टू इसका बाहर निकला है और जस्ट हाफ ऑफ दिस एज द लिमिट अपर लिमिट, तो यहां पे पाई बाई टू हो जाएगा एंड दिस इज द साइन, देन यू विल इंटीग्रेट। तो दीज टू प्रॉपर्टीज आर सेम, ओनली द चेंज यू हैव टू सी कॉन्सेंट्रेट कि कैसे अगर ये टू लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं तो फंक्शन हमारा क्या आता है। सेकेंड केस हमने बताया कि जीरो हो सकता है, किस केस में, इफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स मतलब पी ये चीज माइनस में आ जाए। अब जैसे मान लीजिए यहां कॉस फंक्शन होता, ये कॉस फंक्शन होता, तो आपको पता है कि कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, और माइनस कॉस एक्स मतलब माइनस एफ एक्स, अब ये माइनस एफ एक्स हो गया तो ये आंसर हमारा डायरेक्टली जीरो लिख दिया जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज को मेंशन करना है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी तो वैल्यू इज जीरो विदाउट इंटीग्रेशन। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे बड़े तो उसमें आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली समझ में आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि जीरो टू टू ए, इस टू ए की कोई मीनिंग नहीं है, टू ए कुछ भी हो सकता है, पाई टू पाई थ्री पाई, पाई बाई टू पाई बाई फोर कुछ भी हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, दैट इज द टू यू विल नॉट सी। लेकिन अगर हम इस प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज कर रहे हैं, अगर मिल रहा है f is equal to fx, मतलब सेम फंक्शन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू लाइक दिस, देन यू विल टेक आउट द टू फ्रॉम द अपर लिमिट एंड जस्ट टेक राइट द हाफ ऑफ द लिमिट जीरो टू ए एफ एक्स। अगर आपको माइनस एफ एक्स मिल रहा है तो जीरो आंसर हो जाएगा बिना इंटीग्रेशन किए। देन द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड और भी इसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन फॉर इवन एंड ऑड माइनस ए टू ए, ये पहचान में भी आती है, जान भी पड़ता है, क्योंकि निगेटिव लिमिट से पॉजिटिव लिमिट वही है, जैसे माइनस टू से टू, माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो दैट इज द लिमिट एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें भी देयर आर द टू आंसर्स, दिस विल बी टू ए जीरो टू ए, ये जीरो हो जाएगा, टू बाहर लग जाएगा और ये ए एज इट इज, बट क्या होगा एफ एक्स डी एक्स, लेकिन किस केस व्हेन यू विल टेक दिस, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब जितना भी कहीं जहां भी एक्स है इन प्लेस ऑफ एक्स, इफ यू पुट द माइनस एक्स एंड यू आर गेटिंग द सेम फंक्शन आफ्टर पुटिंग, तो इस केस को कौन सा फंक्शन कहते हैं पता है, इवन फंक्शन। इफ द फंक्शन इज इवन देन यू विल राइट दिस पार्ट एंड लाइक दिस, तो ये इजी हो जाए। और अगर आंसर जीरो चाहते हो तो क्या होना चाहिए, द इट शुड बी द ऑड फंक्शन, मतलब माइनस एक्स पुट करने पे माइनस एफ एक्स, जैसे अभी बताया किस तरह से कुछ आना चाहिए, तो इन दैट केस यू विल गेट द आंसर जीरो विदाउट इंटीग्रेशन। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से देखें, अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और तो बड़े आराम से समझ में आएगा, इसमें हमने काफी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, और सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज आई एम पोस्टिंग द टाइम टू टाइम द वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग्स फॉर यू, तो उसको भी देखा करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे। तो दैट इज द बेस्ड ऑन द एक्चुअली दिस टाइम एज यू नो दिस द ऑनलाइन टाइम एंड इन दिस पैंडेमिक यू कैन नॉट गो आउट, you cannot take the suggestion from the teacher, but you can see the video, and if you want to ask anything then you write in the comment section, okay, and in the next video I will tell you some more things about the properties of definite integral. Thank you.